दीपिका पादुकोण के लिए संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत करना आसान नहीं रहा। फिल्म रिलीज हो चुकी है, लेकिन जनाब अब रिलीज होने के बाद फिल्म की ताबड़तोड़ कमाई के बाद कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी सामने आ रही है फिल्म से जुड़ी। एक ऐसी इंटरेस्टिंग बात जिसमें दीपिका पादुकोण को शूटिंग के दौरान बार बार नहाना पड़ता था, आखिर क्यों ये भी जानते हैं। नमस्कार, मैं हूँ अभिषेक, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिल्मी बीट पर। दीपिका ने फिल्म पद्मावत की रिलीज के बाद इस फिल्म से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें शेयर की है, और उन्हीं बातों में उन्होंने बताया कि आखिर क्यों फिल्म की शूटिंग के दौरान वो बार बार नहाने चली जाया करती थी। दरअसल दीपिका ने कहा कि शूटिंग के दौरान गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही थी, इसके अलावा किरदार की डिमांड के चलते उन्हें हैवी गहने हैवी कॉस्ट्यूम पहनने पड़ते थे, इस वजह से वो बेहद परेशान हो जाया करती थी, पसीने से तर बतर हो जाया करती थी, क्योंकि शूटिंग भी घंटों तक चलती रहती थी और इतने भारी कपड़ों के साथ गहनों के साथ लंबे टाइम तक शूटिंग करना आसान नहीं था। दीपिका ने बताया कि जब किसी शॉट में रीटेक होता था तो सबसे पहले वैनिटी वैन की ओर भागती थी और वहां जाकर बाथ लेती थी, नहाती थी और वापस आने के बाद फिर से सीन को शूट किया करती थी। तो इस तरीके से गर्मियों के चलते दीपिका पादुकोण को फिल्म की शूटिंग के दौरान कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिसमें से एक भारी गर्मी में उन्हें बार बार कॉस्ट्यूम पहनना हैवी वाली और उसी के चलते बार बार नहाने के लिए वैनिटी वैन की ओर भागना पड़ता। ठीक इसी तरीके से कुछ दिनों पहले रणवीर सिंह साहब ने भी फिल्म की शूटिंग के दौरान के किस्से शेयर किए और बताया कि कैसे वो शूटिंग के दौरान वॉमिटिंग कर दिया करते थे इसी गर्मी के चलते। उन्होंने भी बताया था कि गर्मी बहुत पड़ा करती थी और उनके डायलॉग्स, उनके कॉस्ट्यूम, वो सारी चीजें उनके लिए बहुत हैवी हो रही थी। वो इतने परेशान, थके और बीमार से होने लगे थे कि शूटिंग के बीच ही उन्हें उल्टियां भी होने लगती थी, परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद इन सभी कलाकारों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है जिसकी जमकर तारीफ हो रही है। इस वीडियो में इतना ही, फिर होगी मुलाकात एक नए वीडियो के साथ, नई खबर के साथ। टिल देन टेक केयर।